घर से निकलते। इस बॉलिंग के खिलाफ क्या यूएसए 9.5 रन की एवरेज कर पाएगा? नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, नहीं कर पाएगा। नहीं, दूसरी जानब अमरीका की बेबी टीम के लिए पाकिस्तान का सामना करना भी कोई आसान नहीं होगा। कुछ दूर चलते T20 वर्ल्ड कप में बड़ा अपसेट, अमरीका ने पाकिस्तान को सुपर ओवर में शिकस्त दे दी। लूजिंग फ्रॉम USA, वी रिपीटेड द हिस्ट्री। पाकिस्तान हार गया है। कैसे हारा? कोई पता नहीं मैडम, पाकिस्तान की कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस जीरो है बे इन सारे। अमरीका की बेबी टीम को अमरीका की बेबी टीम पूरा पाकिस्तान डिस्टर्ब है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की चूतिया परफॉर्मेंस। क्या बात है की चूतिया परफॉर्मेंस। क्या बात है की चूतिया परफॉर्मेंस। क्या बात है जो अमेरिका के अंदर नजर आई है। पाकिस्तान हैज लॉस्ट द मैच। यूएसए से हार गया। हाँ। इंडिया से क्या करेगा? क्या करेंगे? उमर, जस्ट वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस। देखें, ठीक है, मतलब पाकिस्तान ने बहुत बुरी कारकर्दगी की है। यूएसए टीम एक नई टीम है, आप उनके खिलाफ खेल नहीं पाए हैं, आप परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, आप कहीं पर भी परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। मतलब आपकी बैटिंग फ्लॉप हुई, आपकी बॉलिंग फ्लॉप हुई, आपको सुपर ओवर मिला, आप उसमें फ्लॉप हुए। मेरी समझ से बाहर है कि ये टीम कहाँ स्टैंड करी है। पाकिस्तान डू और डाई सिचुएशन बन गई इंडिया पाकिस्तान गेम ना। पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में यार बेइज्जती करवाते हो अपनी भी और हमारी भी। हाँ। हम भी टीवी चैनल्स में बैठ बैठ के आपकी तारीफें कर रहे होते, उल्टा हमें भी लोग बुरा भला बोल रहे होते, क्या यार पाकिस्तान की तारीफें कर रहे होते। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। USA बच्चों के खिलाफ पाकिस्तान टीम ने आज वो कर दिखाया जिसका खौफ हमें पहले से था। नाज़रीन, एक मशहूर कॉल है कि खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसे खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल ना हो। यकीनन इस कॉल में खुद एहतसाबी और साबी और दुरुस्तगी पर जोर दिया गया है। मजा आ गया। ये पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम नहीं है, ये हिजड़ों की टीम है, ये बगैरतों की टीम है। पाकिस्तान को USA से हार हुई और ये हार के पीछे इंडियन खिलाड़ियों का ही हाथ है। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी ने कहा जीतना इंडिया वालों से, मैं तो लानत भेजता हूं ऐसे टीम पे, मैच नहीं देखना चाहिए। आज हम कहां खड़े हैं? मेरे पे। हम USA के खिलाफ ऐसे डर डर के खेल रहे हैं, मतलब इतनी खुशी से इंसान मैच लगाता है यार। टीवी ऑन किया आज के सारे मिलके बैठे और ये सूरत हाल देखने के लिए हम वहाँ पर, मतलब USA ने पाकिस्तानी टीम के ऊपर ऐसे मूड दिया है। और ये गड्ढा, ये स्पिनर का स्पेशलिस्ट है और स्पिनर के हाथों आउट हो रहा है। ओ माय गॉड, मेरा दिल कर रहा है मैं डंडा दे दूं अंदर। बहुत दिल टूटा, ये मेरी जिंदगी का पहला ICC का मैच था। बड़ी उम्मीदों से आए थे कि USA को हराएंगे। ये हमारी टीम का हाल है, इनको चाहिए, इनको केनिया से खिलाएं, इनको युगांडा से खिलाएं, उनसे भी हार जाएंगे ये। क्योंकि पाकिस्तान को पहला पहला पकड़ गए, घंटा बजाया पाकिस्तान क्रिकेट का पकड़ के। पहले कहा कि अपनी सलवार के नारे चेक किया करो, कभी भी किसी की पजामा देखकर अपनी सलवार का नारा चेक किया करो कि तुम्हारी ना उतर जाए, उतर जाए तुम्हारी, पूरे अमेरिका ने देखा तुम्हारी सलवार फाड़ के। इनके पास सलवार में नारा नहीं होता, इनके पास असल में ना, हम क्रिकेट खेलने नहीं गए, हम मांगने गए हैं, शायद हमारा यही मुकाम रह गया। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। हाँ तो भाई लोग, इंट्रो देख के मजा आ गया ना। हाँ भाई हाँ। आज फिर बोलना चाहूंगा, ना तीर में ना तलवार में, ना तीर में ना तलवार में, हिंदुस्तानियों को मजा आता है पाकिस्तान की हार में।
तो भैया पाकिस्तानियों को लग रहा था अमेरिका टीम जो है बेबी टीम है, लेकिन उनको नहीं पता है अमेरिका की टीम के अंदर भारतीय शेर घुसे हुए जो पाकिस्तान की लंका लगाने के लिए काफी है। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने कल पूरा मैच लाइव देखा, कम से कम 3-4 बार हाईलाइट देखे मैंने, और इतना मजा आया जो थोड़ा गम था ना चुनावी रिजल्ट का वो सारा दूर हो गया और मुझे बड़ा आनंद आया। गार्डन हो रहा है, पड़ोसी बोल रहे रात को 2 बजे क्यों चिल्ला रहा, पागल हो गया क्या। अब आप खुद देखिए, ये पाकिस्तान की टीम जो बेबी टीम, बिल्कुल नई टीम, छोटी सी टीम, उम्मीद भी नहीं थी कि पाकिस्तान हार जाएगा और कुत्ते की तरह हार जाएगा, और ये बातें करते हैं भारत को हराने की। अच्छी मेरा भारत ने देखो आयरलैंड को कुत्तों की तरह पीटा था, घसीट घसीट के मारा था, तुमको भी यूएसए को ऐसे मारना चाहिए था, तब तुम भारत के बराबर में आंख डाल के बात करने के लायक होते। अब 2 दिन तक तो खूब जलील होंगे, अब ये पाकिस्तानी ये भी नहीं बोल सकते कि हम भारत को हरा देंगे, अब ये अपनी टीम को खुद ट्रोल करेंगे और अपनी टीम का मोरल डाउन करेंगे। इसलिए तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, और अभी आपका मजा खत्म नहीं हुआ, मजा तो अभी और आएगा। तो चलते पाकिस्तान, चलो भाई। कैसा रहा, क्या करो यार, टीम इस तरह तेरा टीम तो खेला जाएगा, तुम्हें यूएसए से हार गया, हाँ। इंडिया से क्या करेगा, शोर से क्या करेगा, हाँ। ये तो मैच खेलना भी इसको नहीं आते, हाँ, सही हो गया, किसी और को खिलाओ, हाँ। ये मैच नहीं खेल सकते, यूएसए से हार गया तो किसी और से, इंडिया से कल जून पर आ गया, 9 जून पर इंडिया से, हाँ। तो इंडिया से हार गया तो फिर बोलो ना इसको कहिए घंटे का किंग है, फजूल तरीन कप्तानी की है इसने, तेरे पास दुनिया का नंबर वन बॉलिंग अटैक है, मेरे छनकने भाई यार चार जा तू आगे, तेरे पास दुनिया का नंबर वन बॉलिंग अटैक है, हाँ। पाकिस्तान आ रहा है बहुत सोच है, मैंने तो बोला जीतूंगा, मेरा स्कूल बैठ गया पाकिस्तान के नारे लगा लगा के, पर वो हार गए। सारा पाकिस्तान, सारे फैंस जो हैं, वो सरापा एहतजाज में है, वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि ये तो गेम पॉकेट में होना चाहिए था पाकिस्तान के, मगर पाकिस्तान की एक मानी ग्रामी टीम है कम्पेयर टू यूएसए, वो पहली दफा पाकिस्तान से खेल रहे हैं, सो घबराना तो उनको चाहिए था। ये हमारे नेशनल हीरोज हैं। असल में ना हम क्रिकेट खेलने नहीं गए, हम मांगने गए हैं, शायद हमारा यही मुकाम रह गया, हम दूसरों को ये बताना चाह रहे हैं कि जनाब हम $25-25 पे बैठ के हमारे साथ खाना खाएं, हमारे साथ सेल्फियां बनाएं, हम इसी के लायक रह गए हैं, हमसे क्रिकेट ना खिलवाएं, हाँ। क्योंकि हम क्रिकेट खेलने वाले लोग नहीं हैं, हाँ। अगर क्रिकेट खेलने वाले लोग होते तो आज हम यूएसए जैसी टीम से ना हारते, इतना बड़ा क्राउड आप देख रहे हैं, हाँ। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों को सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कि हम 9 जून के लिए रो रहे थे, हमें क्या पता था कि 6 जून को भी रोना पड़ेगा, क्या बताएं इस तरह की गंदी परफॉर्मेंस के साथ, जब हम मैदान में उतरेंगे तो हम मुकाबला क्या करेंगे, हम मुकाबला करने की बात कर रहे हैं 9 जून को कैसे मुकाबला करेंगे। तो भैया पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद मैं यही बोल सकता हूँ, तू क्या जीतेगा रे पाकिस्तान, आज तुमको अमेरिका ने पेल दिया, 9 तारीख को हम पेल देंगे और तुम्हारा वर्ल्ड कप हो जाएगा खत्म, और जो पाकिस्तान की टीम अमेरिका में $25-25 के इवेंट कर रही है ना, तो ऐसे $25-25 के और 10-12 इवेंट कर लेना, क्योंकि टाइम बहुत बचेगा यार आप लोगों के पास में, तो उस टाइम का यूटिलाइज करना, पैसा जमा करना, पाकिस्तान को पैसे की जरूरत है, पाकिस्तान की इकोनॉमी में डॉलर की जरूरत है, तो $25-25 की भीख मांगना। आज मैं आपको कमेंट करने के लिए भी नहीं बोलूंगा, आज मैं आपको शेयर करने के लिए भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज आप खुद से शेयर करें, खुद से लाइक करें, खुद से कमेंट करें। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।